असलम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुंबई की फ़ेमस चाइनीज़ भेल जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट है करते हैं यहाँ पर मैं ली हूँ दो पैकेट चाइनीज़ नूडल्स इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक पतीले में देंगे पानी बॉयल करने के लिए और इसमें डाल देंगे वन टी स्पून साल्ट टू टी स्पून डाल देंगे ऑयल वेजिटेबल ऑयल हम इसमें डालेंगे और इसमें हम वन लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसे हम बॉयल होने देंगे यहाँ पर हम इसमें निचोड़ कर डाल देंगे और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो चुका अब जो नूडल्स थे ना हम इसमें ऐड कर देंगे हम इस तरह से सारे नूडल्स को खड़े ही ऐड करेंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसे धीरे धीरे इसमें डाल देंगे देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे बॉयल कर देंगे इसे ना हल्का सा गलाना है अभी आप लोगों को चेक कराते हैं ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है ये देखिए बस ऐसे ही हमें चाहिए था ये हो चुका है अब इसके पानी को हम छान लेंगे और एक कॉटन के कपड़े पर हम इसे चोक कर लेंगे और इसे एक ट्रे में डालकर इसे मैं देखिए कोटिंग कर लेंगे क्योंकि ना हमें नूडल्स को फ्राई करना है तो यहाँ पर हम इसकी कोटिंग अच्छी करेंगे बिल्कुल इस तरह से और ऑयल को मैंने पहले से ही कढ़ाई में गर्म कर लिया यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा हीट हो चुका है इसे हम हाई टेम्परेचर पर ही फ्राई करेंगे तो सारे नूडल्स को हम इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से और ख़्याल रहे कि हमें टेम्परेचर हाई ही रखना है और इसे ना एकदम क्रिस्पी बनाना है तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं ये देखने में ही पता चल रहा है कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं एकदम टाइट हो चुके हैं ना इसी तरह से हमें एकदम क्रिस्पी करना है और ये देखिए कलर आ चुके हैं बिल्कुल ये क्रिस्पी हो चुके हैं इसी तरह से हम सारे नूडल्स को फ्राई करेंगे इसे हम निकाल लेते हैं एक ट्रे में ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए, तो तो गए। तो हैं आपको तो भी एक तो ट्रे में निकाल कर दिखाते हैं ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें फ्राई करने हैं ये देखिए क्रिस्पी हुए एकदम इसी तरह से हम बाकी नूडल्स को भी फ्राई करेंगे यहाँ पर हम इसे भी ऐड कर देंगे आपको जितना यूज़ करना है ना आप बिल्कुल उतना ही कर सकते हैं बाकी आप स्टोर करके रख सकते हैं ये भी हो चुका है इसे भी हम निकाल देते हैं आप लोगों को अब हम फ्राई नूडल्स चेक कराते हैं ये कितना क्रिस्पी हुआ कितना करारा बहुत मज़े का ये बनकर रेडी हुआ है ये देखिए बिल्कुल कितना क्रिस्पी हुआ एकदम करारा बनकर रेडी हुआ है तो हम यहाँ पर एक पैन लेंगे उसमें डाल देंगे बारीक कटकी हुई पत्ता गोभी और इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च शिमला मिर्च ऑप्शनल है और इसमें हम डाल देंगे जो करारे चाइनीज़ फ्राई किए ना नूडल्स को उसे ऐड कर देंगे इस तरह से और इसमें हम डाल देंगे चाइनीज़ भेल की चटनी जो कि बहुत मज़े का बना है अगर आप लोगों की इसकी चटनी की वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियो को कमेंट ज़रूर करिएगा मैं अगली वीडियो में इसे ज़रूर डाल दूँगी तो इसमें हम डाल देंगे धनिया के पत्ते और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से कि चटनी जो है ना सारे मसाले अच्छे से ऐड हो जाए सारे सामानों में बिल्कुल इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छे से ऐड हो गया और बहुत ही स्पाइसी बनकर रेडी हुआ है बहुत ही चटपटा सा है एकदम मुँह में पानी आने लगा है इस तरह से हम अब इसे सर्व कर लेंगे यहाँ पर हम इसे सर्व कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आया तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को, को मेरी वीडियो कैसी लगी ये देखिए बिल्कुल मजे का बनाया तो फ्रेंड्स चलते हैं अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ